हेलो, मैं विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी और आज हम 10th क्लास से इवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन की डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ स्लो एंड कंटिन्यूअस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस लीडिंग टू द ओरिजिन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। ये डेफिनेशन हो गई हमारे इवोल्यूशन की। तो इस डेफिनेशन को हम कुछ एग्जांपल की मदद से प्रूव भी करेंगे कि इवोल्यूशन में स्लो चेंजेस आते हैं एक ऑर्गेनिज्म में जो पहले से प्रेजेंट है और वो कंटिन्यूअस है, जिसकी वजह से एक नए टाइप के मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनते हैं। और हमने बात की कि इवोल्यूशन में स्लो चेंजेस और कंटिन्यूअस चेंजेस आते हैं, तो उन चेंजेस के पीछे रीजन क्या है, या ये कहें कि इवोल्यूशन के पीछे क्या रीजन है, क्या कॉजेस हैं कि इवोल्यूशन होता है और क्या फायदा है इस इवोल्यूशन का, हम वो बातें आज डिस्कस करेंगे। तो बात कर लेते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ इवोल्यूशन। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में, वेरिएशन। हमने एक टॉपिक पढ़ा था वेरिएशन। क्या थी ये वेरिएशन? वेरिएशन जब डीएनए से डीएनए कॉपी करता है तो वो प्रोसेस एक्यूरेट नहीं होता, तो जितनी कम एक्यूरेसी होती है उतने ही ज्यादा वेरिएशंस होते हैं। तो चेंजेस आ जाते हैं डीएनए में और चेंज आने की वजह से वो चेंजेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं। हमने एक्यूमुलेशन भी पढ़ा था, हमने एक्यूमुलेशन की भी बात की थी कि एक्यूमुलेशन क्या होता है, जुड़ना होता है कि जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट जस्ट रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये वेरिएशंस जो होती हैं वो न्यू ऑर्गेनिज्म में एक्यूमुलेट कर जाती हैं, जिसका फायदा ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म अच्छे से एम्बिएंट कंडीशन में सरवाइव करता है एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स। यानी कि वो वेरिएशन, अगर एक सिंपल वर्ड में कहूं तो वेरिएशन सर्वाइबिलिटी में मदद करती है। अब ये वेरिएशन हुई और वेरिएशन की वजह से क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ। वेरिएशन हुई और वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन क्या? कि भैया एक ऑर्गेनिज्म जो पहले से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसमें चेंजेस हुए, स्लो थे, कंटिन्यूअस थे और क्या थे? इरिवर्सिबल थे, मतलब वापस नहीं जा सकते थे। तो वो चेंजेस हुए और चेंजेस की वजह से एक नया एडवांस ऑर्गेनिज्म बन गया। इसको कुछ एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि ये वेरिएशन किस तरीके से इवोल्यूशन कोज करती है और इवोल्यूशन सर्वाइबिलिटी में मदद करता है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये 12 बीटल्स हैं, ये 12 बीटल्स हैं और 12 बीटल्स में ये जो होगा ये रिप्रेजेंट करेगा रेड को। ये ब्लू को, ये ग्रीन। चलो देखते हैं। तो सबसे पहली सिचुएशन देखते हैं इवोल्यूशन में। तो पहली सिचुएशन ये है कि वेरिएशन आ गई, रेड बीटल्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन करती हैं। इन रेड बीटल्स में रेड बीटल रिप्रोडक्शन करती है और रिप्रोडक्शन करने से उनमें क्या आएंगी? वेरिएशंस आएंगी, यानी कि रेड बीटल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगी।
रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनमें वेरिएशन आएंगे, तो वेरिएशन क्या आई वो देखो, वेरिएशन ये आई कि जो रेड बीटल्स थी उन रेड बीटल ने रिप्रोडक्शन किया तो उनसे प्रोड्यूस हुई ग्रीन बीटल्स। तो ये सभी हो गई रेड और ये हो गई ग्रीन बीटल। चल अब क्या हुआ ये देखते हैं आगे क्या हुआ। रेड बीटल्स और ग्रीन बीटल्स दोनों रिप्रोडक्शन करेंगी, तो रिप्रोडक्शन करने से क्या होगा, रिप्रोडक्शन किया तो रिप्रोडक्शन करेंगी तो ग्रीन बीटल्स भी रिप्रोडक्शन करेंगी और रेड भी करेंगी, लेकिन रेड का नंबर जो है इन 12 बीटल्स में मैंने क्या कर दिया है, कम किया है और ग्रीन का बढ़ा लेते हैं। चलो बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। अब मैंने क्यों बढ़ाया, उसके पीछे रीजन जो है, रेड बीटल्स हैं ये ग्रीन बीटल्स हैं, ग्रीन बीटल्स अपने आप को प्रीडेटर से, प्रीडेटर मतलब जो इनको खाने वाला है, खाने वाला कौन है, फॉर एग्जांपल क्रो, ये क्रो है, क्रो कैन इजीली सी द ग्रीन बीटल, ग्रीन बीटल्स को सॉरी रेड बीटल्स, क्रो जो है वो इजीली देख सकता है रेड बीटल्स को, ग्रीन बीटल्स को वो इसलिए नहीं देख पाएगा क्योंकि जो हमारा वेजिटेशन है यानी कि हमारे जो पेड़ है पत्ते हैं उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, तो ये अपने आप को ग्रीन कलर में कैमोफ्लेज कह सकते हैं या ये कह सकते हैं हाइड कर लेती है अपने आप को, ग्रीन बीटल उस ग्रीन वेजिटेशन में अपने आप को हाइड कर लेगी, छुपा लेगी, लेकिन रेड बीटल्स अपने आप को नहीं छुपा सकती, तो क्रो को रेड बीटल्स साफ नजर आएंगी, जिसकी वजह से रेड बीटल्स का जो नंबर है वो कम होता चला जाएगा और ग्रीन बीटल्स का ज्यादा होता चला जाएगा। अब यहां पर हमें क्या चीज नोट करनी है वो देखते हैं। रेड बीटल्स थी, रेड बीटल्स में वेरिएशन आई, कलर चेंज हुआ, कलर कैसा हो गया ग्रीन, मतलब वेरिएशन आई। अब क्या ये वेरिएशन, क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये वेरिएशन इस ऑर्गेनिज्म की सर्वाइबिलिटी में मदद कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि ग्रीन बीटल्स क्रो को नजर नहीं आ रही, यानी कि प्रीडेटर्स को नजर नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही तो ऑब्वियसली ऑब्वियस है कि उनका नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और रेड बीटल्स जो है वो क्रो को नजर आ रही है जिसकी वजह से उनका नंबर डिक्रीज होगा। तो यहां पर लास्ट में जो बीटल बचेंगी वो सभी आपकी कैसी होंगी, ग्रीन होंगी। तो इसको, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा कि जब वेरिएशन आई और वेरिएशन ने सर्वाइबिलिटी में मदद की तो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, इन ग्रीन बीटल्स को प्रीडेटर से बचाने में किसने मदद की, नेचर ने मदद की। अगर नेचर में वेजिटेशन का कलर ग्रीन ना होता तो ये अपने आप को हाइड नहीं कर पाती, तो मदद किसने की, नेचर ने। चार्ल्स डार्विन ने इस चेंज को नाम दिया था नेचुरल सिलेक्शन। तो पहली जो सिचुएशन हमारी हुई इवोल्यूशन में वो क्या कहलाई, नेचुरल सेलेक्शन, यानी कि वो वेरिएशन ऐसी आई कि ऑर्गेनिज्म को नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, मीन कि वो नेचर में अब इजीली सर्वाइव कर सकती हैं एज कंपेयर टू रेड बीटल। रेड बीटल को नेचर ने सर्वाइव, सॉरी रेड बीटल जो है वो नेचर में सर्वाइव नहीं कर पाई क्योंकि प्रीडेटर उनको इजीली देख सकता था। दूसरी सिचुएशन देखते हैं, वही सेम वेरिएशन की ही देखते हैं। चलो देखते हैं, ये तो हो गई पहली सिचुएशन,
जिसको नाम दिया हमने नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि नेचर ने उनको मदद की सर्वाइव करने में। चलो देखते हैं दूसरा एग्जांपल, देखते हैं दूसरे एग्जांपल में देखते हैं हुआ ये कि जो ये रेड बीटल्स हैं ये रिप्रोडक्शन किए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही थी, तो हुआ क्या, इस बार भी कलर में चेंज हुआ, लेकिन चेंज क्या हुआ, बीटल्स ब्लू हो गई। अब क्या ब्लू क्रो को नजर नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी, मतलब वेरिएशन तो हुई, लेकिन क्या वो वेरिएशन बेनिफिशियल है? तो यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ ईच वेरिएशन इज नॉट able to help the organism survive in the nature. कैसे हर एक variation organism को survive करने में मदद नहीं करती, या each variation, why each variation are not beneficial for the organism? कोई हर एक variation जो है वो organism के लिए beneficial नहीं होती, ये question arise होता है आपका, ये तो NCERT का भी question है। तो अब यहाँ पर blue beetles भी हैं, रेड बीटल्स भी हैं, वेरिएशन आई, वेरिएशन का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन अब ये भी रिप्रोडक्शन कर रही है और रेड बीटल भी रिप्रोडक्शन कर रही है और ब्लू बीटल्स भी रिप्रोडक्शन कर रही है, लेकिन अचानक क्या हुआ, एक हाथी आया और हाथी का पांव इन बीटल्स पर स्टंप्ड हो गया, मतलब टिक गया। टिकने की वजह से देखो क्या हुआ, बाय चांस उस हाथी का पांव इस तरीके से टिका कि जो रेड कलर की बीटल्स थी वो सारी खत्म हो गई, बची कौन सी, ब्लू बीटल्स। इन ब्लू बीटल्स ने रिप्रोडक्शन किया और अपना नंबर पहले ही मेंशन कर दिया था, जो साफ है वो रेड है, जिनको हमने क्रॉस कर दिया वो ब्लू है, और जो राउंड में है वो ग्रीन। तो आपकी ब्लू बीटल्स ने रिप्रोडक्शन किया और लास्ट में सभी जो बीटल्स हैं वो कैसी हो गई, ब्लू हो गई। और अब यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो वेरिएशंस आई उन वेरिएशन का सर्वाइवेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं था, ब्लू बीटल्स को भी क्रो इजीली देख सकता था और रेड बीटल्स को भी देख सकता था, लेकिन ब्लू बीटल्स का नंबर फिर भी बढ़ गया। क्यों बढ़ा और क्या कहेंगे इसको, देखो अचानक और बाय चांस हुआ है, बाय चांस हाथी का पांव इस तरीके से उन बीटल्स पर टिका कि जो रेड बीटल्स थी वो सारी वाइप आउट हो गई, मतलब वाइप हो गई, खत्म हो गई, बची कौन सी, ब्लू बीटल्स। अब ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जीन है। रेड कलर के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन है, वो हम बात कर चुके हैं, हाउ डू दीज ट्रेट गेट एक्सप्रेस हम बात कर चुके हैं। तो रेड बीटल्स के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल, जीन। ब्लू कलर के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल, जीन। तो अब कौन से कलर की जीन बची यहां पर, ब्लू कलर की, और कैसे बची, बाय चांस बची, क्योंकि अगर हाथी का पांव ब्लू पर टिक जाता है सब पर टिक जाता है, सब वाइप आउट हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये तो बाय चांस ऐसा हुआ कि हाथी का पांव कहां पर टिका, रेड बीटल्स पर टिका। तो इसको क्या कहेंगे हम कि बाय चांस जब किसी जीन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम
जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या है जेनेटिक ड्रिफ्ट? बाई चांस चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये डेफिनेशन है जेनेटिक ड्रिफ्ट की। बाई चांस चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। आपके सामने है ये जो मैंने डेफिनेशन बोली है उसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। बाई चांस अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है एक पॉपुलेशन में, उसको हम कहेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो बाई चांस ही हुआ ऐसा। तो ये था दूसरा एग्जाम्पल। तो पहला होगा हमारा इवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन आई, वेरिएशन यहां पर भी आई। दोनों में डिफरेंस क्या है? नेचुरल सिलेक्शन में वेरिएशन आई जो बेनिफिशियल थी नेचर में, वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाया। लेकिन अगर हम जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें तो वेरिएशन तो यहां पर भी आई लेकिन दीज वेरिएशंस आर नॉट बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनिज्म इन द सर्वाइबिलिटी। तो नहीं है बेनिफिशियल लेकिन बाई चांस फिर भी इनका नंबर बढ़ गया, तो बाई चांस बढ़ा तो हमने क्या कहा उसको? जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये था इवोल्यूशन का दूसरा सिचुएशन या दूसरी सिचुएशन। चलो तीसरी सिचुएशन और देखते हैं। तो तीसरी सिचुएशन में इवोल्यूशन में क्या चेंजेस होंगे वो और देख लेते हैं। देखो रेड बीटल्स थी, ये रेड बीटल्स जिस हैबिटेट में रह रही थी मतलब जहां पर ये प्रेजेंट थी वहां के वेजिटेशन में डिजीज आ गई, मतलब जहां पर ये रह रही थी वहां के पेड़ों में डिजीज आ गई जिसकी वजह से उन पेड़ों का नंबर या जो प्लांट्स हैं ट्रीज हैं उनका नंबर डिक्रीज हो गया। मतलब ये कि जहां से ये अपना खाना ले रहे थे वो खाना डिजीज की वजह से कम हो गया। अब इन बीटल्स को खाना नहीं मिला पूरे अमाउंट में, जिसकी वजह से क्या हुआ इन बीटल का साइज, क्योंकि खाना नहीं मिला इसकी वजह से इन बीटल का साइज हुआ क्या, खाना ना मिलने की वजह से इन बीटल का साइज क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसमें भी वो डिजीज चलती रही प्लांट्स में वेजिटेशन में, जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में भी इनको एक्सेलेरेशन में भी इनको फूड नहीं मिला। लेकिन फिर उसके बाद वो डिजीज खत्म हो गई, उस एरिया से वो डिजीज वेजिटेशन की जो डिजीज थी वो खत्म हो गई। और खत्म होने की वजह से क्या हुआ उन बीटल्स को खाना फिर से पूरा मिलने लगा। तो मतलब फिर से वापस वो उतना ही खाने लगी जितना पहले खाती थी, जिसकी वजह से उनका साइज फिर से नॉर्मल हो गया। अब इस सिचुएशन में देखते हैं, ये सिचुएशन इन दोनों सिचुएशन से बहुत अलग है। कैसे अलग है वो देखो। जो पहली दो सिचुएशन थी इसमें जो चेंज आ रहा था वो डीएनए में चेंज था, और डीएनए में चेंज आने की वजह से वो करैक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा था, और हमने उस ट्रेट को कहा था इनहेरिटेड ट्रेट्स। यानी कि जो ये ग्रीन बीटल्स हैं यहां से ये ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हुआ,
इनहेरिटेड ट्रेट्स, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वो रिवर्स हो गया, जैसे कि हमने इवोल्यूशन में कहा कि इवोल्यूशन में जो चेंज आता है वो इरिवर्सिबल होता है। लेकिन अगर यहाँ आप ध्यान से देखें लास्ट टॉपिक, लास्ट जो हमारी सिचुएशन है यहाँ पर, तो रिवर्स हो गया। मतलब ये कि बड़ी बीटल से छोटी बीटल बनी खाना कम मिलने की वजह से, और जब खाना पूरा मिला तो वापस बड़ी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये चेंज है ये डीएनए में नहीं आए, क्योंकि अगर स्मॉल साइज बीटल का हुआ और वो स्मॉल साइज किसकी वजह से होता, डीएनए में वेरिएशन की वजह से होता, तो चाहे उन बीटल को खाना वापस कितना भी मिल जाए वो साइज में बड़ी नहीं होती। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जो ये साइज चेंज हुआ ये चेंज डीएनए में नहीं हुआ, बल्कि जो सोमेटिक सेल्स होती हैं, सेल्स दो तरह की होती है, एक होती है आपकी जर्मिनल और दूसरी होती है सोमेटिक। ये सेल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है और ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल होती है। तो डिफरेंस आपके सामने है ये और ये चेंज आया किसमें, जर्मिनल सेल में जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन सोमेटिक सेल्स नॉन रिप्रोडक्टिव सेल है। इसका मतलब जो साइज छोटा हुआ वो चेंज किसमें आया, सोमेटिक सेल्स में आया, जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं और वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो इसीलिए ये जो करैक्टर था ये कैसा हो जाएगा, acquired traits कौन सा ट्रेट होता है, acquired traits are the traits which are not transfer from one generation to next generation, that means inherited traits का उल्टा। ग्रीन कलर जो हुआ ये inherited traits है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में गया, और जितना बार भी रिप्रोडक्शन करेंगे ग्रीन ही बीटल प्रोड्यूस करेंगे जब तक कोई अदर कलर की वेरिएशन ना आ जाए, ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन। अब वापस ये रेड नहीं हुई, अगर हम इसमें देखें एग्जांपल और इसमें देखें, लेकिन यहाँ इसमें एग्जांपल देखते हैं तो क्या हुआ है, बीटल्स का साइज छोटा हुआ, छोटा होके वापस बड़ा हो गया। इसका मतलब ये इवोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि इवोल्यूशन की डेफिनेशन तो ये कहती है कि चेंजेस आते हैं, स्लो हैं लेकिन कंटिन्यूस हैं, लेकिन वो रिवर्सेबल नहीं है। यहाँ तो रिवर्स हो गया, साइज बड़ा था छोटा हुआ फिर वापस बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये करैक्टर क्या है आपका, एक्वायर्ड ट्रेट्स है। या एक्वायर क्या होता है, एक्वायर्ड ट्रेट्स पहले उसी की बात कर लेते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स इज द ट्रेट विच एक्वायर फ्रॉम द एनवायरमेंट। जब एनवायरमेंट से कोई ऑर्गेनिज्म कोई ट्रेट एक्वायर करता है उसको एक्वायर्ड ट्रेट्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर एक अच्छा बैट्समैन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो अच्छे बैट्समैन का जो करैक्टर है वो उसके बच्चे में ट्रांसफर होगा, वो उसने अपनी मेहनत से अचीव किया है। ऐसे ही स्विमिंग का है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पेरेंट्स की उंगली कटी हुई है, या सबसे बड़ा मैं एग्जांपल लेता हूँ इंडियन जो वुमेन्स होती है उनके ईयर बोर होते हैं, और जब उनके बच्चे होते हैं तो नॉर्मल होते हैं, मतलब ईयर बोर्स नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो करैक्टर हुआ वो कैसा हुआ, एक्वायर, यानी कि आफ्टर बर्थ जो एक ऑर्गेनिज्म में करैक्टर एक्वायर किया और जो इनहेरिटेड नहीं हुआ या उसका इनहेरिटेंस नहीं हुआ उसको बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो ट्रेट्स दो तरह के हो गए, इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स। ये था आपका इवोल्यूशन और तीन सिचुएशन। क्वेश्चन क्या क्या आते हैं वो देखो, एक तो यही क्वेश्चन आता है कि जितनी भी वेरिएशंस होती हैं वो सर्वाइवेबिलिटी में मदद नहीं करती, व्हाई, क्यों, या एवरी वेरिएशन इज नॉट बेनिफिशियल, व्हाई, एक तो ये आ जाएगा। या फिर आपको नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल दे दिया जाएगा, एक्वायर्ड ट्रेट्स का एग्जांपल दे दिया जाएगा। तीनों सिचुएशन में आपको कोई भी सिचुएशन का डायग्राम शो करके आपसे पूछ ले जाएगा ये सिचुएशन क्या है। तो ये हो गया आपका इवो
evolution.